हेलो गाइस, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो जो है आपको एक बार फिर दोबारा जो है प्रमोट होने के लिए, एग्जाम कैंसिल होने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। वंस अगेन एक और आपके लिए धमाका वीडियो हम लेके आए हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज आपकी टीएमए से रिलेटेड और ऑन डिमांड की प्रॉब्लम जितनी भी है वो सारी आपकी जो है खत्म हो जाएंगी। तो बेटा अब जो है मैं आज इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताता हूँ आपको, चलते हैं क्लासरूम में। तो ये चार आज प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए टीएमए की आपकी लास्ट डेट होती है बेटा 31 जैन। तो इसमें क्या होता है आपका, नॉर्मली जो है 6 क्वेश्चंस आपको क्या करने होते हैं, उनके आंसर देके जमा कराने होते हैं। तो बेटा वो बुक में से देखकर आप लिख सकते हो। रिलीवेंट एनआईयूएस ऐसा आंसर प्रेफर करता है कि जो आपके द्वारा खुद बनाया हो। हाँ, आप अपने ब्रदर या सिस्टर से किसी से भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो आप जो है हमसे जो है कह सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उसका टीएमए आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं बेटा स्टेटस। सबसे पहले टीएमए के स्टेटस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। कईयों का स्टेटस दिखा रहा है आपका टीएमए सबमिटेड, तो इसका मतलब क्या है, वो सेफ जोन में है। किसी का दिखा रहा है पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब क्या है, अपडेट होने वाला है, यानी कि वो भी सेफ जोन में है। कईयों को दिक्कत आ रही है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ये सबके साथ समस्या है। लॉग इन प्रॉब्लम चल रही है, ये भी आपकी जो है सबके साथ समस्या चल रही है। तो ये आपके साथ नहीं है, इसका एक दो दिन में सॉल्यूशन हो जाएगा धीरे धीरे। अब क्या है, कई स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर पहले हमारे मार्क्स दिख रहे थे अब नहीं दिख रहे हैं। तो बेटा वो भी एनआईयूएस क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, तो वो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जो 6 केस आ रहा है नॉट सबमिटेड दिखा रहे हैं सर, तो इसके क्या है, इसके दो एंगल हो सकते हैं। नॉट सबमिटेड के केस को हम यहां देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो स्टडी सेंटर या टीचर्स होते हैं उनके पास क्या करते हो, आप डिपॉजिट कराने जाते हो, तो आपके साथ दो केस हो सकते हैं, या तो आपने डिपॉजिट कराया या नहीं कराया। तो पहले देखते हैं डिपॉजिट कराने पर ये केस कैसे हो सकता है। तो आपने मान लिया डिपॉजिट करा दिया, उन्होंने क्या करा कि आपका उन्होंने भी आगे जाके अपडेट करा दिया और डिपॉजिट करा दिया, टीचर अच्छा था, स्टडी सेंटर वाले भी ठीक थे, तो इसलिए इसमें क्या हो गया आपका, ऐसे केस में आपका नॉट सबमिटेड नहीं आएगा, ये बच्चे क्या है आपके सेफ जोन में है। अगर हम देखें कि अगर उन्होंने जमा नहीं कराया, यानी कि आलसी लोग थे, ढीले लोग थे, यानी कि अच्छी तरीके से काम उन्होंने नहीं किया, तो बेटा आपके लिए ये नो वाला जो काम है, अगर उन्होंने आगे जाके जमा नहीं कराया तो आपके लिए टेंशन हो सकती है। इसका एक ही इलाज है, आपको स्टडी सेंटर पर या जो जिस टीचर्स या जिस कैफे वगैरह वाले के थ्रू बनाया उससे आपको जाके बात करनी पड़ेगी, इसका सॉल्यूशन है। अभी हम बताते हैं क्या इलाज है। नो डिपॉजिट, अगर आपने जमा नहीं कराया तो बेटा टीएमए तो आजकल सबसे बड़ा हीरो बन के बैठा हुआ है। तो देखें हम, तो यहां पर क्या है, स्टडी सेंटर और टीचर के पास जो है आपको ये जमा कराना था और आपने जमा नहीं कराया, तो आप सबसे पहले स्टडी सेंटर और टीचर के पास जाके पूछो, उनसे एडवाइस लो, सर क्या किया जा सकता है, हमारे टीएमए डिपॉजिट नहीं हुए, अब हो सकते हैं। अगर वो एफिशिएंट है तो आपके टीएमए को आपको अच्छी एडवाइस करेंगे और जमा करवाने में हेल्प करेंगे। दूसरा क्या है, बहाना मार सकते हैं लॉकडाउन कोरोना का इस तरीके से। अब एनआईयूएस सबसे मेन बात है, आपको जो है ये आगे हमने एक नोटिस लगा रखा है, इसमें साफ लिखा हुआ है एनआईयूएस वालों ने कि अगर आपके टीएमए जमा नहीं होते हैं, लास्ट डेट निकल जाती है, बेटा ये नोटिफिकेशन कोई नहीं दिखाएगा, ये टीएमए के प्रोस्पेक्टस की है, तो ये आपकी ऑथेंटिक है। इसमें क्या कहा गया है कि एनआईयूएस के नोएडा रीजनल सेंटर में जाके आपको 1500 लेट फीस पर सब्जेक्ट के हिसाब से जमा करनी पड़ेगी, यानी कि आपके सब्जेक्ट अगर कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको लगभग 9000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। ये किसी भी टीचर को नहीं देने, स्टडी सेंटर को नहीं देने, किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी बेटा, ये आपने सीधा नोएडा का जो रीजनल सेंटर है वहां पर जाके टीएमए शीट के साथ जमा कराने पड़ेंगे। ये भी ऑफिशियल है, प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं एनआईयूएस से। तो अब हम चलते हैं आगे, तो टीएमए का तो आपको इलाज मैंने बता दिया कि ये है बेटा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स में, ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला,
क्योंकि NIS में अभी भी मैं बता रहा हूं 40-50% बच्चे जो है वो तो कंफ्यूज रहेंगे जो सिस्टम से चलेंगे, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी नोएडा के रीजनल सेंटर में जाके TM में जमा कराने चाहिए बना के। मंडे ट्यूसडे तो लेट हो जाएगा और जल्दी, यानी कि मंडे ट्यूसडे होते ही आप जमा करा दीजिए। तो बेटा वेट मत कीजिए चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ये मैंने आपको 100% श्योरिटी वाली बात बताई है। आप अपना प्रैक्टिकल का देखते हैं, प्रैक्टिकल में बेटा चार केस थे। मान लिया जाए जैसे पेंटिंग का एक एग्जाम है, प्रैक्टिकली नॉर्मली 3 या 4 होते हैं, तो ए और बी दो फ्रेंड थे। तो बेटा पेंटिंग जैसा जो प्रैक्टिकल होता है वो क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि आधे रोल नंबर तो एक दिन कर लेते हैं और हाफ क्या कर लेते हैं दूसरे दिन। तो ऐसा हो सकता है आपके ए फ्रेंड ने प्रैक्टिकल दे दिए और बी ने उसी सब्जेक्ट का नहीं दिया, तो ये बी वाला जो है डरे नहीं, क्योंकि ये NIS की प्रॉब्लम है। आपको TMA के बेस पे पास कर दिया जाएगा और आप ए के इक्विवेलेंट माने जाओगे। तो बेटा ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन थे। और ये क्या है, मान लिया जाए आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्रैक्टिकल थे किसी बच्चे के, उसका एक हो गया, 2 प्रैक्टिकल नहीं हो पाए, ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके TMA के बेस पे मार्क्स लग जाएंगे, इसमें आपको नेगेटिव नहीं समझा जाएगा क्योंकि एग्जाम हो ही नहीं पाए बेटे। अब आपका क्या है 1, 2, 3 अगर 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों के प्रैक्टिकली आप नहीं दे पाए, आपके फ्रेंड के किसी के हो गए और आपके नहीं हो पाए, तो आप ये ना सोचे कि आप फेल हो गए। TMA उस टाइम पे आपके बेस के लिए काम करेगा और आपको पास प्रमोट कर दिया जाएगा। अब दिक्कत इनको आएगी जो प्रैक्टिकल में एबसेंट थे, प्रैक्टिकल में एबसेंट थे तो बेटा उनके तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलने ही नहीं है और दोबारा प्रैक्टिकल होने के चांस भी नहीं है। हम मंडे को जो आसपास के सेंटर्स वाले होते हैं वो जाके वहां पर क्या कर रहे हैं, NIS हेडक्वार्टर में जाके बात करेंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी वहां ये सारी प्रॉब्लम्स पे और डिस्कस किया जाएगा कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो है बेटा अब TOC और ऑन डिमांड का केस आ जाता है, तो आपको इसमें पता है लगभग बच्चे ने 3 या 4 एग्जाम देने होते हैं, 2 या 3 में वो पास हो जाता है और उनकी TMA का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ये सबमिटेड नहीं होता है, तो ये TMA के बेस पे तो पास होंगे नहीं, तो इनके ये देखे जाएंगे 3 या 2 सब्जेक्ट जितने में भी ये पास है तो उसके बेस पर ये बाकी एग्जाम्स में पास कर दिए जाएंगे, चाहे इन्होंने TMA जमा करा है चाहे नहीं करा है, चाहे प्रैक्टिकल जमा करा है चाहे नहीं किया है। तो बेटा ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का इलाज था, लेकिन TMA का इलाज मैंने बता दिया आपको, नोएडा के रीजनल सेंटर पर जाना पड़ेगा, लेट फीस वहां पर जमा करनी पड़ेगी, TMA के साथ जाना पड़ेगा और ये काम जल्दी से जल्दी कर दीजिए, बाकी सब आपको घुमाते रहेंगे। तो बेटा अब बात ये निकल के आई ऑन डिमांड के लिए, अभी बात चल रही है मंडे को हम जो है सारे सेंटर वाले जा रहे हैं, तो वहां पर आपके बारे में पूरा रिपोर्ट करके आपको पता है ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके पास देंगे। वैसे ऑन डिमांड के अंदर जो मैंने बताया है उस तरीके से बच्चे पास हो जाएंगे, और नोएडा में जो है आपका रीजनल सेंटर में मैंने बता दिया आपका किसका इलाज है, जो आपके TMA का इलाज है। इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी मंडे या ट्यूसडे तक वहां पर जमा करा दीजिए, मैंने आपको वहां पर नोटिस भी बताया, आप उसको पूरा पढ़ेंगे, वो प्रोस्पेक्टस में से वहां पर खुद लिखा हुआ है कि आप TMA जो है कभी भी जमा करा सकते हो रिजल्ट के आने से पहले पहले, लेकिन नोएडा रीजनल सेंटर या जिसके जो पास में रीजनल सेंटर पड़ता है। तो बेटा वीडियो को इतना लाइक कीजिए, इतना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से टेक्निकल आंसर्स आपको हर एक चीज के मिलेंगे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। मैंने देखा कई जगह पर बच्चे कमेंट्स करके पूछ रहे TMA और उनका, तो उनको ऐसा जवाब नहीं दिया जा रहा, बच्चों को भेड़ बकरी की तरह समझा जा रहा है, लेकिन बेटे मैंने आपको बिल्कुल सीधा सटीक आंसर दिया है। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बता सकते हो उनकी TMA की इतनी ही प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व होंगी। तो बेटा और एक बार आपसे लास्ट में फिर रिक्वेस्ट, जो आपके कमेंट बॉक्स है उसमें जो है आप उसको भर मार कर दीजिए। हाँ लास्ट वीडियो के मैं कमेंट कुछ नहीं दे पाया बेटा, कुछ बिजी था, लेकिन दोबारा उनके सबके आंसर दिए जाएंगे और कमेंट बॉक्स में एक एक प्रॉब्लम का इलाज आपको बताया जाएगा और सटीक आंसर दिया जाएगा। तो जितेंद्र आर्य क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो।